as the country prepares for the Lok Sabha elections, with the first phase starting on the 19th of April, RJD MP Manoj Jha has slammed Prime Minister Narendra Modi. He has said that Prime Minister Narendra Modi makes big promises, wants to change the constitution of India. While questioning PM Modi, he's also said that why does Prime Minister Modi not fight elections of women empowerment jobs? Let's in fact take a listen. ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ, आप कहते हो कि यह संविधान ही बदलना है, और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए, प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। सीधे कहता हूं, उनसे ये कहिए कि गोलवलकर साहब की किताब को सार्वजनिक रूप से जला दें, सार्वजनिक रूप से जला दें। ये जो किताब है ना, इसको महज किताब मत कहिए, ये देश की सबसे पवित्र किताब है। और इस किताब का आशय ये है ना कि हमारे आपके जिंदा होने का दस्तावेज, हमारी सहूलियतों का, हमारे आरक्षण की गारंटी है। अगर इस पर प्रधानमंत्री जी को कुछ करना है ना, तो तमाम वो लोग जिन्होंने कहा है कि हम बदलेंगे, हमें बहुमत इसलिए दो, उनको पार्टी से निकाल दो, और फिर संविधान से उत्पन्न चीजों पर जिस पर तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं, नौकरी, महिला सबलीकरण, अग्निवीर को खत्म करना, पुरानी व्यवस्था सेना में और रेलवे में, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? चुनाव तो इन मुद्दों पे होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की, 1 करोड़ रोजगार देने की बात की, लेकिन विपक्ष जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि 23 सीट पे चुनाव लड़ने वाले ये कैसे कर सकते हैं? उनको शायद मैंने पहले भी आपको ये सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दिया था। जो पार्टियां 2 सीट पर भी लड़ती हैं ना, वो ये कहती हैं कि हम अगर आए तो हमारी ये व्यवस्था होगी। ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। जिनको इनकी समझ नहीं है, उनको मैं कहूंगा ट्यूटोरियल लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस समय करेंगे? कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता साथ में सब आएंगे, सब आएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? सब आएंगे साथ साथ। मुझे कमाल लगता है ना, कांग्रेस परेशान, ना आरजेडी परेशान, ना कोई और परेशान। परेशान कौन? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रधानमंत्री लगातार जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी भाषा देश के प्रधानमंत्री के कद के अनुरूप होनी चाहिए। ये तेजस्वी जी किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? नौकरी पे ना, 5 लाख नौकरी 17 महीने के अंदर, ये जंगल राज है। तो देश में आप भी ऐसा ही जंगल राज ला देते मोदी जी, आप तो ना ला पाए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा था, सारे वादे हवा हवाई हो गए, और अब आप मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नौकरी के बाद तेजस्वी यादव करे, वो तो एनडीए ने पॉलिसी बनाई थी और उसी का क्रेडिट ले रहे हैं। तो देश में क्यों नहीं दे दिया प्रधानमंत्री जी? मतलब देखिए, आप लोग प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अगर तेजस्वी जी ने उनकी पॉलिसी पर नौकरी दे दी, आपकी तो अपनी पॉलिसी थी, देश भर में नौकरी क्यों नहीं दे दी?
झूठ की भी एक सीमा होती है और झूठ की एक बहुत छोटी उम्र होती है, वो उम्र चली गई। My colleague Abhishek Chandra joins us on the broadcast to give us more details on this. Abhishek, of course, now we've heard a political war of words right now. Give our viewers more details on this. Exactly. See, it is a war of words between RJD MP, Rajasabha MP, Dr. Manoj Jha. Manoj Jha has slammed Prime Minister Modi on his recent speech. Actually, Manoj Jha was speaking that constitution is big. Constitution is the biggest document of the country, and in the way Prime Minister has described all the thing, it is very objectionable. It is very objectionable that what exactly Manoj Jha meant. Manoj Jha also showed a physical copy of the Indian Constitution, and what he said that Constitution is the most important document, most sacred document of India, and Modi indirectly, Prime Minister Modi is making a mockery of it. Manoj Jha also added that Indian Constitution guarantees employment to everybody, employment as well as safety, and it has become a very, very, very big issue in Bihar. Back to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.